नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी की कहानी सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में बब्रुवाहन नामक एक राजा था, वह बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण था। हरिदास बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वह बहुत ही सुशील और धर्मवती थी। गुणवती पतिव्रता और भगवान की बड़ी भक्त थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की। एकादशी, महाशिवरात्रि तथा जन्माष्टमी आदि सभी व्रत विधि विधान से करती थी। वह यथाशक्ति दान पुण्य भी करती रहती थी। अतिथि सेवा से भी वह कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार जीवन भर वह धर्म परायण रही। वृद्धावस्था में जब उसका देहांत हुआ तो धर्मराज जी के दूत उसे आदर पूर्वक धर्मराजपुर ले गए। धर्मराजपुर में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान थे। उसके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान था। चित्रगुप्त जी मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा धर्मराज जी को सुना रहे थे। गुणवती भयभीत हुई, वहां नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को दिया, जिसे सुनकर धर्मराज जी को प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उनके मुखमंडल पर छा गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा, मैंने अपने जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है, कृपा करके बताएं। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं को व्रत आदि से संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे और चित्रगुप्त जी के नाम से तुमने कुछ भी पूजा पाठ या दान पुण्य आदि नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी, कृपा करके वो उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के प्राप्त बन सकें। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक पर वापस जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास अवश्य ही करूंगी। धर्मराज जी ने बताया, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे एक साल तक मेरी पूजा करें और मेरी कथा सुने। एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही धर्म के इन 10 नियमों का पालन करें। नंबर 1, धृति अर्थात धीरज रखना तथा संतुष्ट रहना। नंबर 2, क्षमा करना और मन को वश में रखना। नंबर 3, चोरी ना करना। नंबर 4, मन से पर पुरुष या पर स्त्री से बचना अर्थात मानसिक और शारीरिक शुद्धि। नंबर 5, इंद्रियों को वश में रखना। नंबर 6, बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार ना करना। नंबर 7, पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना। नंबर 8, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नंबर 9, सच बोलना और सच्चा व्यवहार करना। और नंबर 10, क्रोध ना करना। धर्म के इन 10 लक्षणों का पालन करें। मेरी कथा नियम से सुनता रहे, दान पुण्य और परोपकार करता रहे। वर्ष भर बाद मकर संक्रांति आए तब इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी मूर्ति और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवा करके पूजा और हवन करें। साथ ही चित्रगुप्त जी की पूजा भी करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाए, ब्राह्मण भोजन कराएं, बांस की टोकरी में 5 शेर अनाज दान करें। इसके अलावा गद्दा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा तथा वस्त्र आदि देने चाहिए। हो सके तो गाय का भी दान करें। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दें, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। गुणवती वापस जीवित हो गई, उसके शरीर में जान आ गई, वह उठकर खड़ी हो गई। उसके सभी परिवार जन बड़े प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी वाली सभी बातें अपने पति को बताई। उसने कहा कि हम धर्मराज जी का व्रत अवश्य करेंगे तथा धर्म का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आने पर गुणवती और उसके पति ने धर्मराज जी के निमित्त व्रत शुरू किया। एक वर्ष के बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें धर्मराज जी की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें मोक्ष तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय। बोलो चित्रगुप्त महाराज की जय।